दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा, अगर आप ट्रक चलाते हैं और अपनी ट्रक की माइलेज को बढ़ाना चाहते हैं, हाँ दोस्तों कम फ्यूल में ज़्यादा किलोमीटर अपनी गाड़ी को चलाना चाहते हैं। आज के टाइम में ट्रक ड्राइवर की जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है और फ्यूल भी हमारा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए ही है और अपनी गाड़ी के ट्रक्स का आप माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण रूप से आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, बहुत काम की वीडियो है आपके लिए। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग को आपको समय पर करवाना, हाँ दोस्तों जब भी अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको एयर फिल्टर को भी साफ करवाना है। अगर एयर फिल्टर ख़राब हो तो उसको भी आपको नया चेंज करवा लेना है और आपके टायर का जो प्रेशर होता है उसको भी चेक कीजिए। डेली बेस पे अपने गाड़ी के टायर के जो प्रेशर होता है उसको सही करना है, उसको दबाव को सही रखना है, प्रेशर को सही रखना है, ये विशेष काम होता है। और अपनी गाड़ी की जो सर्विसिंग करवा रहे हैं तो सारी चीज़ों की सर्विसिंग आप करवाएँ, स्टीयरिंग ऑयल देखें, कूलेंट देखें, सर्विसिंग में जो भी चीज़ आती है उसको आपको टाइम टू टाइम करना है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपने ब्रेक सिस्टम जो होते हैं ट्रक्स के उसको भी सही रखना है। दोस्तों हमारे ट्रक्स के अंदर FI पंप होता है या EDC पंप है आपके ट्रक्स के अंदर, तो आपको उसका बिल्कुल ध्यान रखना है। FI पंप में जो फ्यूल की सेटिंग्स होती है उसको प्लीज़ करवाएं। अगर आपकी कंपनी के द्वारा सेटिंग की गई है और आपकी गाड़ी का माइलेज सही चल रहा है तो ज़्यादा माइलेज के चक्कर में अपना फ्यूल ज़्यादा ना खुलवाना, क्योंकि जो आपको फ्यूल अच्छा आ रहा है, आपको माइलेज सही देख रहा है तो आपको फ्यूल खुलवाने की जरूरत नहीं है। अगर माइलेज थोड़ा कम है, आपने FI पंप खुलवा लिया है तो उसको खुलवाएं, उसको रिपेयर करवाएं, उसको रिपेयर सर्विसिंग करवाएं उसकी, और उसके बाद उसे अपने एक सही, अगर आपको उसके बाद आपकी माइलेज सही देखने को मिलती है तो आप उसको बार बार ना खुलवाएं। मेरा कहना है कि FI पंप, EDC पंप जो भी आपकी गाड़ी के अंदर है उसको आपको बार बार नहीं खुलवाना है। दोस्तों ज़्यादा खुलवाने से आपके FI पंप, EDC पंप में दिक्कत देखने को मिलती है और आपकी माइलेज फिर सही नहीं होती है। तो आपको जब आपकी माइलेज ख़राब है तब आप इसकी सर्विसिंग ज़रूर कराएं, इसको चेक ज़रूर करवाएं, ताकि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो आपको सही देखने को मिले। जब आपकी गाड़ी लोड होती है, हाँ दोस्तों जब आपकी गाड़ी लोड है तो आपको उसको लोड को सही इक्वली माल को अंदर अपनी गाड़ी के अंदर रखवाना है। ऐसा नहीं कि एक साइड माल ज़्यादा है, एक साइड माल कम है, तो एक साइड आपकी गाड़ी दब जाएगी, जिसके वजह से आप जब अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आपको चलाने में दिक्कत तो होगी, और एक साइड का टायर में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इस साइड में कम लगेगा, दबाव लगेगा, तो आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। जब आपका वेट सब जगह से इक्वल है और सब जगह सामान आपने सही रखा है, इक्वल तरीके से रखा है, तो आपको अपनी गाड़ी का माइलेज सही और अच्छा देखने को मिलता है। जब भी आप अपनी गाड़ी को फ्लाईओवर से चलाएं, तो जब भी आप फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर दें और उस टाइम आप अपनी गाड़ी को एक्सीलेटर ना दें। दोस्तों हाँ दोस्तों एक्सीलेटर ना दें, और जो भी फ्यूल आपका कवर हो रहा है वो आपकी बचत होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए आप 100 की स्पीड से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, उसके बाद आपको टॉप गियर में अपनी गाड़ी को रखना है। जब तक आपके 50-60 तक की स्पीड पर आ जाएगी गाड़ी, तब तक आपने 150 से 200 मीटर की रेंज आप बिना फ्यूल के आप कवर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों जो ये आपकी 150-200 मीटर की रेंज है, वो उसका जो फ्यूल है वो आपने बचा लिया है। जितना भी आप अपनी गाड़ी को टॉप गियर में चलाएंगे, हाँ दोस्तों टॉप गियर में रखेंगे, उतना ही आपको अच्छी माइलेज अपनी गाड़ी में देखने को मिलती है। और एक मध्यम जो स्पीड होती है आपको अपनी उसी गाड़ी में उसी स्पीड में चलाना है। हाँ दोस्तों ऐसा नहीं कि गाड़ी का एकदम से एक्सीलेटर दे रहे हो और एकदम से गाड़ी को रोक रहे हो, तो इसमें हमारा फ्यूल सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। एकदम से गाड़ी को स्पीड नहीं देना है, एकदम से गाड़ी को रोकना नहीं है, इससे हमारा फ्यूल ज़्यादा, हमारा तेल जो गाड़ी का होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आपको मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिल रही होगी। दोस्तों आपको अपनी गाड़ी को मध्यम स्पीड पर चलाना है। हाँ मध्यम स्पीड मतलब आपको अपनी गाड़ी को 60 से 70-80 की स्पीड में, अगर अपनी गाड़ी को लॉन्ग टाइम में आप लॉन्ग ड्राइव पर चला रहे हैं, लंबे टाइम से चला रहे हैं, तो आपको एक अच्छा माइलेज अपनी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। ये एक अच्छी स्पीड होती है गाड़ी की, जिसमें आपको गाड़ी का अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। और आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल चेक करना है, कोई भी ऐसी चीज़ मत रखें जो आपके काम की ना हो अपने ट्रक में, उसका वेट बढ़ा रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और हमारा फ्यूल सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सारा काम अपनी गाड़ी का एक्यूरेट करवाना, तरीके से करवाना, ताकि आप अपनी गाड़ी के अंदर फ्यूल को बचा सकें और अच्छा माइलेज अपनी गाड़ी का ले सकें और हम अच्छे पैसे कमा सकें। तो ये सब टिप्स जो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ जब वीडियो आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना,
कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।